तो मैंने कल आपके लिए शेयर किया था मंडे का लंच बॉक्स, तो आज बनाएंगे ट्यूसडे का यानी सेकंड डे का लंच बॉक्स। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें एक टेबलस्पून हमने डाल दिया है बटर, साथ में दो चम्मच डाल देंगे तेल। दोनों को अच्छे से हमें गर्म करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बिल्कुल दो छोटी छोटी वाली मिर्च चॉप करके डाल दी है, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। साथ में एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके ले लिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ खाते नहीं हैं ना, इसलिए इनके एकदम फाइनली चॉप करनी पड़ती हैं। साथ में डाल दिया है एक बारीक चॉप किया हुआ गाजर, एक चॉप की हुई शिमला मिर्च। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सौते करना है। यकीन मानिए बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही ये जो लंच बॉक्स से बन जाता है। आप इसे बच्चों के लिए भी दे सकते हैं और हस्बैंड के लिए भी दे सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न, तो वेजेस आप अपने हिसाब से डाल दें। साथ में थोड़ा सा मटर भी फ्रोज़न वाला डाल दिया है हमने। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप डाल दें, इससे बहुत ही कलरफुल भी लगता है और देखने में सुंदर, और बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सारी सब्जियों को बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। सारी चीज़ें अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सीजनिंग वाली चीज़ें बन रही हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड राइस। तो आप लेफ़्ट ओवर भी ले सकते हैं या और पहले से कुक किए हुए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये राइस, तो मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। आप यदि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को उस हिसाब से एडजस्ट करके ले लीजिएगा। अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। इसमें नॉर्मली बटर और जो हमने ओरिगेनो मिक्सअप्स वगैरह डाला है ना, उसी का ये फ्लेवर देगा। तो ये बिल्कुल जैसे चाइनीज़ स्टाइल बनता है ना, उसी तरह से हमारे ये चावल बनकर तैयार होगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही बटरी एकदम टेस्टी सा बनता है। और बच्चों को अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ देते हैं ना लंच बॉक्स में, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट से खाते भी हैं और ये हेल्दी भी होता है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से गैस का फ्लेम हाई करके आप भून लें, जिसमें से एक बढ़िया से स्मोकी फ्लेवर आवे। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा सेकंड डे का भी टिफ़िन। आप इसे जब चाहे तब इन्हें बना सकते हैं। पहले से बॉयल्ड राइस है अगर आपके पास, और आप इस तरह से लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और साथ में इसमें ढेर सारी वेजेस डली हुई है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषण और हेल्दी होती है। तो आप बच्चों के या फिर हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और अगर आप भी वर्किंग वूमेन हैं तो अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकती हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा टिफ़िन हमारा तैयार है। अगर आपको ये टिफ़िन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के टिफ़िन सीरीज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरे दिन का टिफ़िन यानी कि वेनसडे का टिफ़िन। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, यहाँ देखिए 500 ग्राम के लगभग आटा है। साथ में हमने नमक डाल दिया है और इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, इससे आटा बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक सेमी सॉफ्ट हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो आटा ना ही बहुत सख्त रखना है और ना ही बहुत ढीला, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इस पर डालते जाएँ और इसका एक बढ़िया सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो है डो लगकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं और इसको रख देते हैं साइड में, और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो कोई भी आप ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से इसको चिकना करके और साइड में रख दें, जिससे कि आटा अच्छे से रेस्ट भी कर लेगा और फिर हम इसे जो बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर एक मिक्सी के जार में हमने ये सोक किए हुए सोया चंक्स ले लिए हैं, इन्हें मैंने गर्म पानी में पहले ही सोक कर लिया था 1 कटोरी के लगभग, और ये ऐसे फूल गए हैं। पानी निचोड़ने के बाद इसे मिक्सी के जार में डाल दें, साथ में हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको ग्राइंड करना है, ये देखिए। अब एक बाउल में इसको हमें ट्रांसफ़र कर देना है, और इसके बाद हम इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। सोयाबीन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो बच्चों को या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में आप इसे बेसिकली रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारा जो हमारा सोया चंक्स है वो निकाल दिया है। साथ में हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को इस तरह से मैश करके लिया है। साथ में इसमें हमने लिया है 1 कप सोख किया हुआ पोहा। पोहा से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ में हरी मिर्च डाल देंगे चॉप की हुई, शिमला मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 बारीक चॉप की हुई, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर और टेस्ट के लिए 1/4 छोटी चम्मच के लगभग,
साथ में इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप अपने यहाँ पर मनपसंद सब्जियाँ मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टफिंग में अगर आपको पनीर का इस्तेमाल करना है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से बाइंड कर देना है। तो ये देखिए बढ़िया सी बाइंडिंग हो गई है। अब ये जो डो है ना, तब तक मैं बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है हमारा। इसको हम एक बार फिर से नीट करेंगे और जिस तरह से हम एक छोटा पोर्शन रोटी या पराठे के लिए निकालते हैं बिल्कुल वैसा ही निकाल लेना है। और इसके अंदर ही ये जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इसको हमको स्टफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो पेड़ा है वो कट कर लिया है। अब आटे में हल्का सा हम इसको डस्ट करेंगे और इसके बाद इस तरह से हम इसमें कटोरी नमा बनाएंगे, जिससे कि जो स्टफिंग है बहुत अच्छे से फिल भी होती है और इस तरह से पराठे बहुत ज़्यादा फटते नहीं हैं। तो कभी भी पराठे बनाएं तो आप इस तरह से ऐसे कटोरी से बना लें और इसके बाद जो भी स्टफिंग है आपकी वो अच्छे से आप इसमें फिल कर दें। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी जो स्टफिंग है, एकदम अलग तरीके की स्टफिंग है। हम हमेशा आलू की या फिर अलग अलग तरीके के पराठे बनाते हैं, लेकिन आप ये वाली जो बनाएंगे ना, इससे एकदम अलग फ्लेवर अलग टेस्ट का ये जो पराठा है वो बनता है। क्योंकि बच्चों को हमें हेल्दी भी देना है, साथ ही टेस्टी भी देना है, जिससे कि वो टिफ़िन खाएं भी और उन्हें पता भी ना चले कि हम उसके अंदर क्या रख रहे हैं। और इसको अच्छे तरह से एकदम सील कर लें और एक बार फिर से हम इसको आटा में डस्ट करेंगे और इसको हाथों से ही थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और इसके बाद जब आप एक दो बेलन ही चलाएंगे ना, और इतने में आपका ये पराठा जो है वो बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हाथों से ही हमने इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको बढ़ाते जाएं और इस तरह से बढ़ाकर तैयार कर लें। अब जब आप इसमें बेलन चलाएंगे ना, तो 2 से 3 बार बेलन चलाएंगे और इतने में हमारा जो पराठा है वो एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए एकदम स्टफ्ड, बहुत ही फ्लेवरफुल और एकदम अलग अंदाज से बनने वाला। तो बच्चों को जब इस तरह की चीज़ें टिफ़िन में डेली मिलती हैं अलग अलग तरीके की, तो बहुत इन्जॉय करके खाते हैं, साथ उन्हें मज़ा भी आता है और आपको भी बनाने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताया है इसमें केवल 5 से 8 मिनट लगना है और आपका ये जो नाश्ता है या टिफ़िन है वो बन जाता है। अब किसी भी तवे में आप इसे डाल दें, घी या बटर का इस्तेमाल करना है, दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है और बस झटपट से बनने वाला टिफ़िन रेसिपी तैयार हो जाती है। आपको मेरे चैनल में टिफ़िन सीरीज़ देखने को मिल रही हैं। अगर आपको और भी टिफ़िन सीरीज़ देखनी है, वीडियो देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमको हमेशा ही चाहिए होती है लेटेस्ट और न्यू रेसिपीज़ के लिए। तो लंच बॉक्स की जो शिकायत होती है वो सभी की होती है कि हम आज क्या बनाएं, तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई और एकदम अलग अंदाज में बनने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेंगी। अब पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है, तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बटर, घी जैसे भी चाहें वैसे आप इन्हें सेक सकते हैं। सभी तरफ से अच्छी तरह से दबा लें। गैस का फ्लेम हाई मीडियम आपके हिसाब से है, जैसा रखना हो। पराठों को जलाना नहीं है, अच्छे से सेक जाए ऐसा हमको इसे सेकना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका कलर आ रहा है, स्टफिंग कितनी प्यारी इसमें दिख रही है। तो आप दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें और इसी तरह से बाकी के जितने भी पराठे आपको स्टफ्ड करके बनाने हो इसी तरह से बना लें। जैसे कि मैंने इसे प्लेन रखा है, मैंने पनीर नहीं डाला, चीज़ नहीं डाला, लेकिन अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप स्टफिंग में चीज़ पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एक पराठा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के और भी बना कर तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे क्या करें, या तो आप ऐसे ही रखें, लेकिन ऐसे करने में पराठे टूट जाते हैं अलग अलग और अच्छे नहीं दिखते। तो आप इसको बीच से कट कर लें, 4 भाग में कट कर लें, जिससे कि बच्चों को खाते में भी बनेगा और टिफ़िन में अच्छे से रखते भी बनता है। तो ये देखिए बढ़िया से आप इसको कट कर लीजिए, जैसे पिज़्ज़ा कटर, चाकू, जिससे आपसे बने आप उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। पराठे हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमने इसे टिफ़िन बॉक्स में भी लगा दिया है, साथ में रख दिया है टोमेटो सॉस, जो कि बच्चों को बहुत ही फेवरेट होता है। तो आज का टिफ़िन लंच बॉक्स हो चुका है तैयार। आप इसे चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में रखें या फिर हस्बैंड के। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।